एक साल में 12 से 13 शिवरात्रि होती हैं। ये अमावस्या से एक दिन पहले होती है, महीने की सबसे अंधेरी रात। ये शिवरात्रि जो माघ के महीने में आती है उसे महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस दिन अद्भुत रूप से ऊर्जा ऊपर उठती है। यही एक ऐसा पर्व है जिसे रात भर मनाते हैं और कई लोग पूरी रात इसमें हिस्सा लेते हैं। ईशा योग केंद्र में पधारे सभी श्रद्धालु प्रसाद के रूप में रुद्राक्ष और सर्पसूत्र पा सकते हैं। यह रुद्राक्ष उन 108 रुद्राक्षों में से है जिनसे पिछले साल आदि योगी को सुशोभित किया गया था। तांबे से बना सर्पसूत्र बाएं हाथ की अनामिका उंगली में संतुलन और खुशहाली के लिए पहनना चाहिए। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पहली बार सदगुरु शिव यात्रा भेंट कर रहे हैं, विल्यांगिरी पर्वत की तलहटी की यात्रा। शिव की कृपा पाने के लिए श्रद्धालुओं को एक साधना में दीक्षा दी जाएगी और वे इस यात्रा को पैदल, साइकिल या फिर बैलगाड़ी से कर सकते हैं। श्रद्धालु आदि योगी प्रदक्षिणा भी कर सकते हैं। यह सद्गुरु द्वारा बनाई गई एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जो हमें आदि योगी की कृपा पाने के लिए ज्यादा ग्रहणशील बनाती है। महाशिवरात्रि से पहले कुछ दिन ईशा योग केंद्र में यक्ष का आयोजन होगा। यह संगीत और नृत्य का एक महोत्सव है। इसमें दुनिया के कुछ महान हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीतकार प्रस्तुति देंगे।